नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। सोनी टीवी पर करमवीर करके एक खास प्रोग्राम आता है जो कि 30 अक्टूबर को भी आया था। उस करमवीर प्रोग्राम में उन लोगों को आमंत्रित करके बुलाया जाता है जो लोग समाज सेवी होते हैं और जो समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, या फिर अपने क्षेत्र के अंदर जो लोग माहिर होते हैं उन्हें एक स्पेशल निमंत्रण भेजकर इस खास प्रोग्राम के अंदर बुलाया जाता है और उनके साथ होता है एक सेलिब्रिटी। ऐसे ही 30 अक्टूबर के हुए इस प्रोग्राम के अंदर जो करमवीर प्रोग्राम आया था सोनी टीवी पर, इसमें बुलाया गया था मिस्टर विल्सन को। आपने अक्सर देखा हो कि करमवीर जो प्रोग्राम है वो केबीसी में आता है कौन बनेगा करोड़पति। इस बार वो प्रोग्राम करमवीर जो है 30 अक्टूबर को आया था जिसमें मिस्टर विल्सन आए थे। मिस्टर विल्सन सफाई कर्मचारियों के लिए पूरे मुल्क के अंदर लंबे समय से ऐसा काम कर रहे हैं, उनको उनके जीवन को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। आपने उस प्रोग्राम के अंदर जो 30 अक्टूबर को आया था ये भी देखा होगा कि उसके अंदर बाबा साहब के फोटो वगैरह लगाए थे। उसमें मिस्टर विल्सन के साथ जो आए थे वो थे सोनी टीवी पे एक और प्रोग्राम आता है जिसको होस्ट करते हैं अनुपम। उस प्रोग्राम का नाम है अपराध करके जो प्रोग्राम आता है उसे होस्ट करते हैं अनुपम। वो मिस्टर विल्सन के साथ एक पार्टनर के रूप में केबीसी में आए थे। अनुप सोनी और मिस्टर विल्सन जब प्रोग्राम के अंदर जाते हैं तब बच्चन साहब ने उनसे 6,40,000 का एक सवाल पूछा। वो सवाल ये था कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को किस धर्म ग्रंथ का दहन किया था। ऑप्शन में था विष्णु पुराण, भगवत गीता, ऋग्वेद और ऑप्शन डी मनुस्मृति। मिस्टर विल्सन मुस्कुराते हुए कहा ऑप्शन डी यानी कि मनुस्मृति। उनका आंसर जो था वो एकदम करेक्ट था, इसलिए वहां जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने तालियां बजाई। लेकिन जो मनुवादी लोग थे उनको इस क्वेश्चन से आपत्ति हुई। मनुवादी लोगों को इस सवाल के पूछने पर आपत्ति होती है, वो इस पे गुस्सा जाहिर करते हैं अपना। और जो अखिल भारतीय महासभा के उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष है रशीद द्विवेदी, वो लखनऊ में जाकर लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में बच्चन साहब के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। लाखों अंबेडकरवादी लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन क्यों किया था। बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन अपने ध्यान में ये रखकर किया था कि जो हिंदुओं का जो ये ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ जो है, यह है समाज को बांटने का काम करता है, समाज में जातिवाद पैदा करता है, शूद्रों को, महिला को उनके अधिकार से वंचित रखता है, उनको पढ़ने नहीं देता है, जातिवाद पैदा करता है, छुआछूत पैदा करता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने मनुस्मृति का 25 दिसंबर 1927 को दहन किया था। मिस्टर विल्सन एक लंबे समय से दलित आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको इस सवाल का जवाब मालूम था। इसलिए सवाल सामने आते ही उन्होंने फट से जवाब दे दिया। और जो मनुवादी लोग थे जिनको इस क्वेश्चन से आपत्ति हुई थी, उन्होंने इस प्रोग्राम के जो केबीसी प्रोग्राम है करमवीर केबीसी प्रोग्राम है कौन बनेगा करोड़पति, इसके टेलीकास्ट होते ही 2 दिन बाद ही अमिताभ बच्चन पे कंप्लेंट कर दी और ये भी कहा साथ में कि हमारे धर्म ग्रंथ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अमिताभ बच्चन को जब बताया गया कि उनके ऊपर FIR क्यों हुई है, उनके एक सवाल पूछने पर FIR हुई है, और उनको ये बताया गया कि उनके इस सवाल से हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को उनके मन में ठेस पहुंची है, इसलिए अमिताभ बच्चन के ऊपर FIR दर्ज की है। केबीसी
कौन बनेगा करोड़पति। इस प्रोग्राम को लगभग देश में 20 करोड़ लोग देखते हैं। 20 करोड़ में से अगर 2-5% लोग ऐसे हैं जिनको पता है, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जिनको मालूम है कि बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन क्यों किया था, लेकिन फिर भी 20 करोड़ लोग में से 18 करोड़ 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हिंदुओं के इतने बड़े धर्म ग्रंथ को क्यों दहन किया था, क्यों जलाया था। लेकिन इस क्वेश्चन को पूछने के बाद जो लोग बचे थे जिन्होंने नहीं पता था, उनको भी पता चल गया, तो यह अम्बेडकरवादी आंदोलन के लिए एक नील का पत्थर साबित हुआ। लेकिन जो मनुवादी लोग हैं उनका यह कहना था कि उनके अमिताभ बच्चन ने जो ये सवाल पूछा है, उनके ऐसे पूछने से समाज के अंदर जातिवाद पैदा होगी, उनके धर्म ग्रंथ जो है उसकी बदनामी की जा रही है, या फिर उनका जो धर्म है जिसको वो मानते हैं उसको कहीं ना कहीं ठेस है या बदनामी करी जा रही है उसकी, या उनके मन में कोई ठेस पहुंचाने का काम किया है, समाज में लड़ाई करवाने का काम किया है, ऐसा जो मनुवादी लोग हैं जिन्होंने FIR दर्ज की है उनका ऐसा मानना है। जिन लोगों ने FIR दर्ज की है वो लोग नहीं चाहते कि बाबा साहब के बारे में कोई भी क्वेश्चन, उनके बारे में कोई भी, जितना जानते हैं वो तो जानते हैं लेकिन उनके बारे में आगे कोई जान पाए। बाबा साहब कहने को एक विचार है जिसको कोई भी कभी भी खत्म नहीं कर सकता, चाहे लोग कितना भी चाहे। बाबा साहब ने आज से 90 साल पहले मनुस्मृति दहन की थी। उस समय कितना जातिवाद होता था देश के अंदर, अंग्रेजी हुकूमत होती थी, कितनी छुआछात होती थी, ब्राह्मणवाद कितना था, अब कम है लेकिन उस समय ज्यादा था, मनुवाद कितना चरम सीमा पे था। उसके बाद भी बाबा साहब ने इतना महान काम किया, मनुस्मृति का दहन किया, तब उस समय कितना हंगामा हुआ होगा, कितना प्रेशर डाला होगा, लेकिन उसके बाद भी बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन कर दिया, लोगों को उनके हक दिलाए, संविधान बनाया। लेकिन आज 90 साल बाद जिस देश को हम डिजिटल बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं, उसमें बाबा साहब के काम का एक सवाल पूछ लिया जाता है तो लोग हंगामा करने लग जाते हैं, FIR दर्ज करने लग जाते हैं। लेकिन क्या जो लोग अम्बेडकरवादी हैं वो सोच रखते हैं बाबा साहब की, जो बाबा साहब को मानते हैं अभी वो मानते हैं, आने वाले उनके फ्यूचर में उनके बच्चे मानेंगे, फिर उनके बच्चे मानेंगे, लेकिन बाबा साहब का जो विचार है, उनकी जो सोच है, उसको खत्म नहीं कर सकते हैं मनुवाद लोग। वो इसलिए गुस्सा जाहिर कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब के बारे में ज्यादातर लोग जाने, बाबा साहब ने क्या किया है उसके बारे में लोग जाने, जागरूक हो, क्योंकि बाबा जागरूक हो अपने अधिकार के लिए, बाबा साहब ने जो किया है उसे जाने, क्या क्या काम किया है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, उनके हक के लिए कितनी लड़ाई की है, कितनी कुर्बानी दी है। लेकिन जो ये FIR दर्ज किया है ये गलत दर्ज किया है, क्योंकि अमिताभ बच्चन सिर्फ उस प्रोग्राम को होस्ट करते हैं, ना कि उसके मालिक हैं। अगर FIR दर्ज करनी है तो उस चैनल पे करनी चाहिए थी, क्योंकि जो भी वो क्वेश्चन बोलते हैं, पूछते हैं, या उसके ऑप्शन जो भी होते हैं वो उसे सिर्फ चैनल वाले ही देते हैं, ना कि अमिताभ बच्चन खुद से उसको बनाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।